वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आमार यूट्यूब चैनले जानाई स्वागतम। अब लगभग शाम होने को थी। हम सभी गंगा के इस पवित्र घाट पर पूजा करने के लिए निकले। मैं घाट पर आया और देखा कि हजारों लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। पूजा हमने फूल और पूजा सामग्री खरीदी और पूजा के लिए गए। आपको बता दें कि यहाँ पूजा का सामान खरीदते समय कुछ ब्राह्मण आपसे पूछेंगे कि क्या आपको पूजा के लिए ब्राह्मण की जरूरत है, लेकिन इस पूजा के लिए आपको किसी ब्राह्मण को ले जाने की जरूरत नहीं है। इस पूजा के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे वीडियो में देखें, हमने ब्राह्मणों के बिना ही पूजा की। दरअसल यहाँ हर कोई हर काम अपने तरीके से करता है। टैगोर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान करने के एकमात्र उद्देश्य से दुनिया भर से लोग आते हैं। हम सभी ने यहाँ पूजा की। मैंने पूजा के नियम के अनुसार गंगा जल में दीपक जलाया और उसे माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया। यहाँ आकर जब भी आप टैगोर का नाम जपेंगे तो आपके मन में एक शांति महसूस होगी। पूजा खत्म करके हम सब चलने लगे। भविष्य में घूमने लायक कुछ और जगहें। यहाँ आसपास कई विक्रेता हैं जो कई तरह के सामान बेचते हैं। आपको जो चाहिए वो खरीदे। यहाँ आप कई पूजा सामग्री बिक्री के लिए देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ से खरीदकर पूजन कार्य कर सकते हैं। फिर गंगा के पवित्र जल को घर ले जाने के लिए पीले रंग के ड्रम का उपयोग किया जाता है। काफी रात हो चुकी है, लेकिन लोग अभी भी हमारी तरह इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। हम और आगे जाना चाहते हैं। हम सब रात्रि भोजन करेंगे। डिनर के बाद होटल जाकर आराम करूंगा। अब तक अन्य क्षेत्र में जाने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ मिठाई, नमकीन और टिफिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ आपको अपनी पसंद के हिसाब से खाना मिलेगा, लेकिन शाकाहारी भोजन। आप में से जो लोग हरिद्वार आने के बारे में सोच रहे हैं या YouTube पर खोज रहे हैं, आपने चोटी वाला नामक एक विशेष दुकान देखी होगी। हाँ, वास्तव में इस नाम की एक दुकान है। हमने जो भोजन चखा है वह वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाला है, तो आप वास्तव में इसे खा सकते हैं। मित्र, मैं ये बात किसी भी तरह के विज्ञापन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जानकारी देने के लिए कह रहा हूँ।
हमने आसपास की दुकानों और स्थानों के बारे में जानने के लिए और अधिक चलना शुरू कर दिया। यहाँ दिन और रात में ज्यादा अंतर नहीं है, वहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है, कोई कुछ खरीद रहा है तो कोई कुछ खा रहा है। यह स्थान बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सब कुछ एक साथ देखना संभव नहीं है। जितना संभव होगा मैं देखूंगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश से और भी वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कई तरह के भोजनालय हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सारे खाने का स्वाद लेते रहे। भोजन करते समय एक स्थान पर मेरी नजर बहुत पुराने मकान या इमारत पर पड़ी। मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊंगा। देखिए ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, और इमारत पर लगे शिलालेख को देखो। यहाँ साल 1928 लिखा हुआ है। लिखें और बताएं कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इतने समय तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।